वालेकुम नाजरीन, नाजरीन नॉलेज टॉक में आज का हमारा सेगमेंट है बिज़नेस के मुतालिक। हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिससे आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है। एग्रीकल्चर शोबे में आप ऐसी कौन सी फसल है या ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसे बआसानी कर भी सकते हैं और छोटी इन्वेस्टमेंट थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए और हम आपको ले चलते हैं एक फसल और एक ज़िम्मेदार की जानब जिसने कामयाबी के साथ बहुत अच्छा पैसा कमाया भी है और कमा भी रहा है। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि टमाटर की काश्त कैसे की जाती है और टमाटर की काश्त से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे ज़िम्मेदार भाई इमरान। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि उन्होंने कामयाबी के साथ कैसे ये कारोबार किया। इमरान भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम मोइन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक इमरान भाई। अच्छा इमरान भाई, तुसी मैनू ये दसो, साढ़े नाजरीन जड़े हैं वो ये जानना पसंद करेंगे कि तुसी कितना अरसे तू कारोबार कर रहे हो टमाटर दी, मतलब कि फसल और काश्तकारी कितने अरसे तू कर रहे हो? ये मोइन भाई असं तकरीबन 10-11 साल तो कर रहे हैं तकरीबन सब्जी का कारोबार। अच्छा, और तुसी कितनी एक मतलब इस टाइम टमाटर की काश्त कितने वसी पैमाने पर की हुई है? असी 15-16 एकड़ की हुई है इस वक्त। अच्छा जी, तो माशाल्लाह अच्छी खड़ी फसल। अच्छा इमरान भाई, तुसी साढ़े नाजरीन नूं जरा ये दसो कि टमाटर की काश्त वास्ते कैसी जमीन का इंतखाबात करना चाहिए है? भाई जमीन अच्छी हो, मीरा जमीन हो, और उस तो अलावा ये अच्छी तरह इनकी वाही की जाए और अच्छे तरह मारे जाके पनीरी आवे, पनीरी लगे और सही तरह झाड़ निकले उसका। अच्छा, साढ़े दोस्त जेड़े नाजरीन जेड़े सानू सुन रहे हैं इस टाइम, उन्होंने तुसी दसो कि टमाटर की केड़ी इकसाम है जिनकी काश्त के नाल ज़्यादा आमदन हासिल की जा सकती है? मोइन भाई, इहदा अच्छा रिजल्ट लेने वास्ते, अच्छी पैदावार लेने वास्ते अच्छी कंपनी का सीड इस्तेमाल करो और अच्छी पैदावार वास्ते सानू मेहनत की जरूरत है। अच्छी मेहनत करांगे और अच्छी पैदावार लेवांगे। अच्छा नाजरीन, जैसे कि तुसी सुन रहे इमरान भाई दी गल्लां, इमरान भाई तुसी ये सानू साढ़े नाजरीन नू दसो कि ये जिहड़ी फसल टमाटर दी है ये कितने अरसे दे विच तैयार हो जाती है, फल मतलब तुसी वेच सकते हो? 2.5-3 महीने दे विच कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इन्दे ते फी एकड़ कितना खर्चा किया जाता है? तकरीबन ये देखो जी, इन्दे दे 30-35,000-40,000 तक खर्चा आ जाता है, चौकी गोडी समेत, खादा स्प्रेयां समेत, तो इंशाल्लाह 40,000। अच्छा, ये तुसी कितना एक मुनाफा फी एकड़ तो कमा सकते जे? तो अच्छी मार्केट दे विच रेट अच्छा होवे तो 3 लाख तक भी चला जाता है, 2.5 लाख तक, 3 लाख तक। अगर नॉर्मल तो नॉर्मल घट तो घट रेट हो बंदा 1.5-2 लाख कमा लेंदा लाजमी। नाजरीन नू ये दसो के फी एकड़ कितनी औसत तुसी टमाटर दी फसल दी चाह सकते जे? असी अच्छी पैदावार वास्ते अगर मेहनत सही की जाए, खादा का बर वक्त इस्तेमाल किया जाए, 500-700 तक इनकी औसत निकल आती आराम नाल। बिल्कुल, इनकी कोई खास जड़ी वेचण वास्ते हिकमत अमली है साढ़े नाजरीन दे नाल तुसी वो शेयर करोगे कि जो फसल तैयार हो जाती है उन्हें किस तरह मार्केट तक रसाई दिती जाती? पहले तो असी कोशिश करते हैं कि जो तैयार हो जाए फसल टमाटर वगैरह या कोई भी सब्जी उन्हें असी मंडी तक ले जाइए, मंडी का रेट अच्छा होता है और मंडी के सही बिक जाती है। असी उन्होंने टमाटर वास्ते असी छिल ले आने प्लास्टिक के डब्बे, 18-20 किलो उन्हें पैकिंग होती है, 18-20 किलो उन्हें टमाटर पैंता, फिर उसनों असी गड्डिया लोड करके सीधे अपना लाहौर मंडी या कोई भी मंडी जिते अच्छा रेट हो ले जाने। अगर रेट नहीं है मंडिया का सही, असी उन्होंने पका के उस माल में असं मिलों के ले जाने, उत्थे एग्रीमेंट भी कर लें, नहीं एग्रीमेंट करते तो ओपन सेल कर देने असं, तो यह बेहतरीन तरीका है। अच्छा, तुम साढ़े नाजरीन ये भी दसो ना
कि ये टमाटर की फसल वास्ते की एहतियात कितनी जाती है और इन बीमारियों तो बचाने वास्ते केड़ी केड़ी बीमारी लगती है जिन्हों के असी बर वक्त स्प्रे या खाद करके असी बचा सकने। देखो मोइन भाई, असी रोज़ अपनी फसल का मुआयना करने, रोज़ चेक करना किसी किस्म की बीमारी तो नहीं आई या कीड़ा तो नहीं इन्हों लग्या। अगर कोई बीमारी की शिकायत आँगी असी बर वक्त उस जिस किस्म की बीमारी होती उस किस्म का असी स्प्रे करने तो असी अपना मसला हल कर लेना। अगर टमाटर के कीड़ा आ रहा है, कीड़े सूडी आ रही है, असी उन्होंने मारन वास्ते स्प्रे बर वक्त कर देना। हफ्ते के तकरीबन एक बार लाजमी स्प्रे करने उसमें। अच्छा जी, हुण तुसीं कुछ सानूं इस फसल की खास मुशाहदा करवाते हो, फल लगा हुआ माशाल्लाह तुहाडी फसल के उत्ते, फल लगा हुआ जी, बड़ी खूबसूरत फसल तुहाडी तैयार है। अच्छा, और 8-10 दिन तक तुहाडा फल जिहड़ा है वह मार्केट तक पहुँच जाना है। तुसीं सानूं दिखाते हो कि की इहदा मतलब कि कोई बच्चे जिहड़ा फल तुहाडा नुकसान जा रहा या जिहड़ा फायदा देगा। वेवर्स इमरान भाई तुहानू दिखाउंदे ने कि टमाटर की फसल की एहतियात कैसी जरूरी है और टमाटर की फसल उन्होंने किस हालत खड़ी, ये असीं तुहानू हुणे मुशाहदा करवाने। मोइन भाई, इस वक्त साडी फसल बिल्कुल तैयार है। वेखो, असी कोशिश ये करनी है कि इनू खेलां दे विच डिगन तो बचाइए ताकि पानी नाल खराब ना हो फसल। ये तैयार है साडा बिल्कुल टमाटर माशाल्लाह, और इनू असीं हुण संभालना सही तरह बारिशों तो और बारिश के पानी तो या पेली दे विच खड़ा ना हो इत्थे ताकि यह गले ना टमाटर। देखो माशाला बड़ा प्यारा टमाटर होया पे, इनू असी सिर्फ पानी तो बचाना विच डिगन तो और किसी किस्म के जलसाओ तो बचाना और इनू बल और खुराक देनी ताकि फल मोटा होवे और ज़्यादा फल चुके। होर ये देखो मोइन भाई, ये बड़ा प्यारा फल निकलया पे। अच्छा, तो बाकी इनू असी कर रहे हैं और कोशिश के ज़्यादा तो ज़्यादा फल हासिल कर सकिए। इमरान साहब, तुसी सानू साडे नाज़रीन नू ये दसो कि इनू कीड़ा वगैरह जिहड़ा लग जांदा है फल ते, जी बिल्कुल, उनका बचाव की है और साडे जिहड़े जिम्मेदार भाई ने अगर वो काश्त करते ने उन्होंने दरपेश मिसाइल बनते ने उनका बर वक्त हल की है, कोई फल सानू इस तरह का विखाओ। भाई मोइन, पहली तो गल है कि मैं दस्या अगे भी पहली दे विच बिल्कुल रोजाना मोइना करो, उन्दे विच कोई किसी किस्म का कीड़ा वगैरह या किसी बीमारी का मसला होवे। ये वेखो मोइन भाई, एक कीड़े का मसला इनू तो असी स्प्रे कल की है और इंशाल्लाह ये बीमारी जड़ी है ना कीड़े की खत्म हो जाएगा कीड़ा। हाँ जी, तो ये लाजमी जरूरी है कि असी इनू ना रोजाना वेखिए अपनी फसल नू, असी इनका रोजाना मोइना करिए ताकि किसी किस्म की बीमारी या कीड़ा ना लग जाए ताकि बर वक्त ही हल निकाले जाए। अगर असी लेट कर देना तो तबाही मचा देनी कीड़े ने, सूडी इस तरह पै जानी है साढ़े को कंट्रोल नहीं होनी। फिर उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर चेक करिए और इनका हल कदीए। इन्दे वास्ते तुसी केड़ा केड़ा स्प्रे करते हो या केड़ा स्प्रे मार के सूडी मार अच्छी कंपनी का स्प्रे करो, बेंजोएट वगैरह, एमामेक्टन, बाइफेंथ्रिन वगैरह, कोई इस तरह का कोई अच्छा जहर इस्तेमाल करो ताकि थोड़ी सूडी मर जाए और जी थोड़ी फसल है वह बच जाए। अच्छा इमरान भाई, तुसी सानू ये दसो कि टमाटर तो इलावा तुसी केड़ी केड़ी फसल जड़ी ना काश्त कर रहे हो और उन्दे च कितना एक मुनाफा तुसी कमा लेंदे हो? कद्दू है उन्दे 6 महीने तक असी चलाने हो और रोजाना एक दिन छड़ के। अच्छा, मोइन भाई, असी इस वक्त कद्दू और बैंगन, शिमला मिर्च ये काश्त की, धनिया काश्त की असी, और इस तो इलावा ये टमाटर ने ये भी काश्त किए ने माशाल्लाह बेहतरीन। 3-4 फसल साड़ियाँ बड़ी अच्छी हो रही। साड़ी दुआ इमरान साहब कि अल्लाह पाक तुहाडी इस फसल दे विच बरकत पावे और तुहानू कामयाबी अता फरमावे। बड़ी मेहरबानी सर, तुसी साडे चैनल नू और साडे दोस्तां नू टाइम दिता है। नाजरीन, कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसा काम नहीं जिहड़ा कि असी घर बैठे कर लवीए और सानू मुनाफा मिल जाए। हर काम वास्ते मेहनत जरूरी है। साडे इमरान भाई ने सानू दस्या है कि टमाटर दी काश्त विच पैसा किस तरह कमाया जांदा है। अगर तुसी घर बैठे थोड़ी जी मेहनत दे नाल 30-40 हज़ार रुपया सर्फ करके 3 लाख रुपया कमा रहे हो 90 दिन दे विच, इस तो वधिया कोई कारोबार नहीं। अगर तुसी टमाटर तो इलावा प्याज, मिर्च और इस दे मुतलक इमरान भाई दी दसी हुई फसलां दे मुतलक जानना चाहते हो तो प्लीज़ साडे चैनल ते कमेंट्स करो और
ताकि असी तुहानू मजीद नवीं नवीं वीडियो दे सकीए। साडे चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबाओ, तो हुण वास्ते सानू इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज़।